वो माताएं जो कभी ऐसी ही नवरात्र के दौरान कहीं पे मां के रूप में, देवी मां के रूप में भोजन करने के लिए जाते होंगे, और आज वो माताएं वृद्धाश्रम में रह रही है। क्यों? जैसा कि अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि समस्तीपुर उदयपुर में अभी डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भागवत कथा चल रहा है, और वहां पे नित्य दिन ये चर्चाएं होती है कि हमारे गौरी गोपाल आश्रम में जो उनका वृद्धाश्रम चलता है वहां पे लगभग 250, 300, 280, 85 या जो भी संख्या हो, इतनी माताएं वहां पे हैं जिनको निःशुल्क नित्य दिन भोजन दिया जाता है, उनको रहने की व्यवस्थाएं दी गई है, उनका सेवा सत्कार होता है। वैसी माता जिनको घर से निकाल दिया गया है वो उनके वृद्धाश्रम में रहते हैं। और अभी नवरात्रा प्रारंभ हुई है और उसके बाद मैंने एक पोस्ट देखा कि चारों तरफ जय माता दी छाई हुई है, फिर ये वृद्धाश्रमों में किनकी माएं आई हुई है, किनकी माता आई हुई है, यह आश्चर्य की बात है। भैया क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे वृद्धाश्रमों में, और एक वृद्धाश्रम नहीं है, ऐसे वृद्धाश्रम अनेकों हैं, हर जगह हैं, हर शहर में हैं, और हर वृद्धाश्रम में वृद्ध माँ बाप, वृद्ध जन वहां पे रहते हैं। ऐसे कौन से घर हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं, ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? बिल्कुल, ये छोटी सी बात नहीं है जी। और इसके लिए मैं एक भजन के पंक्ति के माध्यम से पहले कहना चाहूंगा कि चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है, ये लाख नहीं है खाक है ये, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। इन पंक्तियों से मैं उन लड़कों को, लड़कियों को, जो भी लोग हैं जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम आए हुए हैं, सोचने की बात है। मैं एक आपको एक रिपोर्ट कहूँ, एक डाटा ऐसा बताऊँ कि ज़्यादातर देखें कि आपने कहा किनकी माएँ आई हुई है, और अब ध्यान से देखें आपको किसी गरीब के, किसी गांव के लोगों की माएँ उसमें नहीं दिखेंगी। अच्छा, बिल्कुल, किसी भी गरीब के, किसी भी गाँव में रहने वाले कमजोर लोगों की माँ वृद्धाश्रम में नहीं है। किनकी माँ है वहाँ पे? जब कथा हो रहा था, इन्हीं के कथा में डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी का कथा देख रहा था, मैं सुन रहा था, वहां पे एक धन संपत्ति से ऐसा लग रहा था कि संपन्न लोग हैं, और वो अपनी माँ को ले गए थे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए, वो महाराज जी के कथा के दौरान ले गए थे। क्या बात? और उन्होंने ऐसा बताया कि हमारी बहु पत्नी से हमारी माँ का बनता नहीं है, इसलिए मैं माँ को यहाँ पे छोड़ने आया हूँ। वहां पे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी ये भी कहे कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पत्नी को ले आता, तुम अपनी मां को क्यों लाया है, यह सवाल उन्होंने किया था। और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो संपन्न है, सुखी है, उनके परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। बिल्कुल, यही बात मैं भी कह रहा हूं कि आपको गरीब कमजोर के लोग नहीं मिलेंगे, धनवान लोगों की माएं वहां है। तो बात है कि धन के कमी के कारण, धन के अभाव के कारण किसी की माँ वृद्धाश्रम में नहीं है। जाति क्यों है? फिर ऐसा होता है संस्कार के अभाव में, मानसिकता के अभाव में, आदमीयता की का अभाव है। हमारे घर से संस्कार निकल गए हैं। सोच के देखिए कि वही माँ बाप कम संसाधनों में ही 4-5 बच्चों का भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन जो जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में है उनकी इनकम देखेंगे, लाख करोड़ वाले लोग हैं वो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े व्यवस्था हैं, और उनकी माएँ वहां जाती है क्योंकि माइंडसेट नहीं है। वहां हर एक चीज को व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है कि इससे आ क्या रहा है, इससे जा क्या रहा है। भैया मैं बता दूं, मैं मेरे एक दो मित्र हैं ऐसे जिनसे कभी कभी मेरी बातचीत होती है ना, तो उनका यह कहना होता है, पहले समय की बात बता रहा हूं, कुछ समय पहले जब ये प्रथाएं नहीं थी कि वृद्ध माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में रहने की आवश्यकता हो, जरूरत हो, उस समय लोग सोचते क्या थे कि बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलना है। बिल्कुल, है ना, स्वास्थ्य को देखते हुए कहते थे कि एक हॉस्पिटल खोलना है। और आज चर्चाएं होती है कि
कि एक वृद्धाश्रम खोलना है। भाई साहब, ये वृद्धाश्रम खोलने की बात आएगी क्यों, आई क्यों और क्यों आ रही है, ये सवाल है या नहीं? बिल्कुल, बहुत बड़ी इसको अगर साधारण इसको अगर साधारण रूप से लिया जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो माएं, वो माताएं जो कभी ऐसी ही नवरात्र के दौरान कहीं पे मां के रूप में, देवी मां के रूप में भोजन करने के लिए जाते होंगे, और आज वो माएं, वो माताएं वृद्धाश्रम में रह रही है, क्यों? उन्हें कभी माता के रूप में पूजा जाता था जब वो छोटी थी, और जब वो आज माता है तो उन्हें पूजा नहीं जाता, वो निवाले के लिए कहीं कहीं है, ये शर्म की बातें हैं। और मैं एक चीज और बता दूं भैया, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आज जो लोग अपने माँ को, अपने बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं, आज उनके बच्चे भी देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति को, और ऐसे लोग ये मत भूलिएगा कि आपके बच्चे भी इस चीजों को देख रहे हैं, और उसी वृद्धाश्रम में आपके बच्चे आपको भी पहुंचा देंगे। ये दिन भी ज्यादा दूर नहीं होगा जब आपकी मानसिकता ऐसी होगी कि आप अपने माँ बाप को किसी भी वजह से हो, वजह कुछ भी हो, भाई साहब वजह से नहीं मतलब है, लेकिन कैसे ऐसे हो पाता है, और कैसे एक एक वृद्धाश्रम में 200, 250, 500, 1000 माता पिता वहां पे भोजन के लिए बैठे हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है, अगर आप इस पर चिंतन करेंगे, आप गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इससे और बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता इस धरा पे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा भी, ये परम सत्य है कि बच्चे जो देख रहे हैं ना, कल वो करेंगे, तो इसमें बचाव की बात क्या है कि दरअसल बच्चों पे आप ध्यान दें कि बच्चों को और कोई चीज आप सिखाते हैं, समझाते हैं, वो नहीं सीखेंगे, लेकिन वो जो देखते हैं वो बिना सिखाए सीखेंगे। तो जरूरी जो जरूरी है बच्चे में, तो एक साइकोलॉजिकल चीज है, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो आप उनके सामने अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दें, आप पाएंगे। बिल्कुल, फिर उन्हें बाद में कुछ भी समझा लीजिए, वो तैयार आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अगर देखा है आपको सेवा करते हुए तो स्वाभाविक उनके अंदर भी ये भावनाएं आएगी, वो भावनाएं आएंगी, वो आपकी सेवा करेंगे, और इससे एक नए समाज का सृजन होगा, और भारत, भारतवर्ष पूरे दुनिया में इसीलिए जाना जाता है, अपने संस्कारों के लिए, विचारों के लिए जाना जाता है, ये चीजें नहीं है पश्चिम में। सही बात, ठीक है, तो आप इन चीजों को बचाएं, यही हमारी मूल पूंजी है, और हम चाहेंगे कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे, सभी लोग इस चीज़ को अपना एक मुहिम समझ के करें, और ये मुहिम है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, लेकिन अगर ना करें तो बहुत बुरा फल आप पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो बुरा फल आप पाएंगे। चलिए, ये मेरा विनती है, ये बुराई जो अभी एक परंपरा बनते जा रही है, इससे हम सबों को दूर रहने की आवश्यकता है, इसे हम सबों को नकारने की आवश्यकता है।